दोस्तों 22 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे भारतीय दिग्गजों ने इतने करोड़ रुपए का दान देकर कहा कुछ ऐसा, जैसे सुनकर आप भी उन्हें करोगे दिल से सलाम। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार कितने करोड़ रुपए दिए हैं भारतीय दिग्गजों ने और क्या कुछ कह दिया है, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि आज 22 जनवरी 2024 की तारीख है और आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए काफी यादगार होने वाला है, क्योंकि आज के दिन रामलला वापस 500 साल के बाद अयोध्या में विराजमान होने वाला है, जिसके लिए पूरे भारत में धूमधाम के साथ तैयारियां चल रही है। वही प्राण प्रतिष्ठा का आगाज भी हो चुका है, जहां इस कार्यक्रम के दौरान हमें कई बड़ी हंसियां भी देखने को मिली थी। इसी बीच भारत के कई महान क्रिकेटर MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और यहां तक कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के अलावा भी कई खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और इसे देखकर काफी खुशी भी हुई, क्योंकि भारत के इतने खिलाड़ियों को निमंत्रण भेजा गया। और आप पहले से ही जानते हो कि राम मंदिर अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत जगह है और बाकी भारत के इन खिलाड़ियों ने वहां पर पहुंचकर 4 चांद लगा दिए हैं। वही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भारत के दिग्गजों ने कुछ बड़े बयान दिए और साथ में उन्होंने करोड़ों रुपए अयोध्या में दान के लिए भी दिए हैं। तो किसने क्या कहते हुए कितने करोड़ रुपए दान किए हैं, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज मुझे राम मंदिर अयोध्या में आकर ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे मैं अब जिंदगी में सब कुछ पा चुका हूं। मैं हमेशा से यही अपना देखता आया हूं कि मुझे राम मंदिर बनता हुआ देखना है और आज मैं उसका हिस्सा बन पाया हूं और मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए काफी खुश हूँ। बाकी अब मैं राम मंदिर के ट्रस्ट के लिए 2 करोड़ की धनराशि प्रदान करने का ऐलान करता हूँ। जिसके बाद में दोस्तों विराट कोहली ने भी बड़ा बयान दिया, जहां पर कोहली ने बात करते हुए कहा कि राम मंदिर काफी अद्भुत है और मुझे यहां पर आकर काफी शांति मिली, अब मैं लगभग हमेशा आया करूंगा और आज का दिन हमारे पूरे भारत के लिए हमेशा यादगार भी रहेगा, क्योंकि आज 500 साल के बाद में एक बार फिर से हमारे राम वापस अयोध्या में विराजमान हुए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जीते जी राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखा दिया। मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में मैं राम मंदिर के ट्रस्ट के लिए 5 करोड़ की धनराशि देने का ऐलान करता हूं। इसके बाद में दोस्तों रविंद्र जडेजा ने बड़ा बयान दिया, जहां जडेजा ने कहा कि आज हम राम जी के दर्शन करके काफी अच्छे और प्रसन्न हुए, आज का दिन हमारे इतिहास में लिखा जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनूंगा, लेकिन आज मैं इसका हिस्सा बना तो इसके लिए आज मैं काफी खुश हूँ। मैं काफी खुद किस्मत हूँ कि मुझे राम जी के दर्शन करने का अवसर मिला, वो भी मेरे पूरे परिवार के साथ में। तो ऐसे में मैं राम मंदिर के ट्रस्ट के लिए 3 करोड़ का योगदान देना चाहता हूँ। वही लास्ट में भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी ने बात कर देगा कि जब मुझे प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो मैंने सोच लिया था कि सबसे पहले मैं इसका हिस्सा बनूंगा, क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के हिस्सा बनना काफी कम लोगों के ही नसीब में होता है। बाकी आज पूरा भारत जगमय हो गया है, उसे देखकर मुझे काफी खुशी हुई। उम्मीद करता हूं कि राम जी भी मुझे समय समय पर अयोध्या बुलाएंगे और मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। बाकी मैं राम मंदिर ट्रस्ट में 5 करोड़ का योगदान देने का ऐलान करता हूं। दोस्तों आप सबकी इस पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ जय श्री राम भी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस दिन इतने बजे से शुरू होगी भारत इंग्लैंड की सीरीज, वहीं जगह पर आप देख पाओगे सीरीज को फ्री में। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार भारत इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी और आप इस सीरीज के सभी मैच का देख पाओगे लाइव, वो भी बिल्कुल फ्री में, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप भी इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन और चाहते हो कि टीम इंडिया इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीते तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जा चुकी है, जिसमें भारत की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 3-0 से हराकर सीरीज को अपने नाम कर लिया है। लेकिन दोस्तों अब बारी है भारत इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज की, जिसका इंतजार सभी फैंस इस समय काफी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों में काफी बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं और दोनों ही टीम काफी ज्यादा मजबूत भी है। वही भारत की टीम इस सीरीज को जीतना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से ये सीरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हालांकि जरूर भारत इस समय पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर है, तो वहीं इंग्लैंड काफी नीचे है, जहां दोस्तों इंग्लैंड इस समय पॉइंट टेबल में 8वें स्थान पर है। तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम भी इस सीरीज में जीत दर्ज करना चाहेगी और पॉइंट टेबल में लंबी छलांग लगाना चाहेगी। लेकिन ये करना इंग्लैंड के लिए इतना भी आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि भारत को भारत में ही टेस्ट सीरीज हराना काफी मुश्किल काम है और पिछले 11 सालों से भारत अपनी सरजमी पर टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। ऐसे में अब सभी को यही उम्मीद है कि सीरीज में दोनों टीमों के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और एक रोमांचक सीरीज होगी। वहीं आपको बता दें कि सीरीज के दौरान दोनों टीमों के बीच में 5 टेस्ट मुकाबले के लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब एक बार नजर डालते हैं भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के पूरे शेड्यूल पर।
दूसरी टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा, जो कि 25 जनवरी से 29 जनवरी तक खेला जाने वाला है। वहीं सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जो कि 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक खेला जाने वाला है। जिसके बाद तीसरा टेस्ट मैच सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में खेला जाएगा, जो कि 15 फरवरी से 19 फरवरी तक खेला जाने वाला है। वहीं चौथा टेस्ट मुकाबला जीएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाएगा, जो कि 23 फरवरी से 27 फरवरी तक खेला जाने वाला है। वह इसके बाद में सीरीज का अंतिम और पांचवा टेस्ट मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि 7 मार्च से लेकर 11 मार्च तक खेला जाने वाला है। वहीं दूसरी सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 से शुरू होंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का भारत और इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैच की सीरीज का पूरा शेड्यूल होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा ही भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को टीम का वाइस कैप्टन यानी कि उप कप्तान बनाया गया है, लेकिन समी शुरू के 2 टेस्ट मैच नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं केएल राहुल भी भारत के लिए बतौर विकेट कीपर नहीं खेलने वाले हैं। वहीं अगर आप इस सीरीज को मोबाइल में लाइव देखना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप जियो सिनेमा पर इस मैच का फ्री में लुफ्त उठा पाओगे। इसके अलावा अगर आप इस सीरीज को टीवी पर फ्री में देखना चाहते हो, तो आप इस सीरीज को स्पोर्ट्स 18 पर देख पाओगे। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत की टीम इंग्लैंड की टीम को हरा पाएगी या फिर नहीं, आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।